इनमें सिर्फ 35 काफी हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हाथों से होते और दीगर 35 दूसरे सहाबा के हाथों, 70 में 35 हजरत अली के हाथों से मारे गए। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद ने जो ये जुमला इस्तेमाल किया था कि मैंने बदर वालों का बदला ले लिया, ये इस बुनियाद पर उस जालिम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे क्योंकि 35 काफिरों को तन्हा हजरत अली ने कतल किया। अगरचे जंग बदर में हजरत उस्मानी अली शरीक नहीं हुए, मगर जब बदरी सहाबा का लिस्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें उस्मानी अली का नाम है। और माले गनीमत में से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हिस्सा भी अता किया, तो एतराज करने वालों ने किया भी कि जब वो थे ही नहीं जंग में तो उनको भी माले गनीमत में हिस्सा क्यों दिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो यहां बाद उलमा ये तावील निकालते हैं और कहते हैं कि नबी की औलाद की देखभाल करना, चूंकि हुजूर ने उनसे कहा था कि इनकी तबीयत ढील है आप और जरूरत है आपको उनकी, आप उनके पास रहें और मैं मदीने में अपना नायक तुम्हें बना के जाता हूं। आप ने हजरत उस्मान गनी से कहा था, चूंकि अबू बकर उमर अली भी साथ में जंग में थे और हजरत उस्मान भी नफ्फान मदीना ही में थे, तो हुजूर ने अपना नायक उन्हें मुंतखब कर दिया। और दूसरे के बाप की बेटी हजरत रुकैया की तबीयत बहुत ज्यादा आगी थी, इसलिए हुजूर ने उनको रोक दिया। तो बाद उलमा इकराम में कहते हैं कि नबी की औलाद की देखभाल करना ये भी किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए हजरत उस्मान की नफ्फान रजी अल्लाह तआला को बदल के माले गनीमत में से आपको भी हिस्सा अता किया। और जब बदर का इतिहास लिखा गया तो इसमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का नाम भी उस लिस्ट में आया कि आप भी बदरी सहाबा में हैं। देखिए सुरफाए राशिदीन 4, ये सहाबा में अफजल और फिर अशरे को मुबशरा वो 10 और 10 में भी ये 4 है और उनके बाद भी बदर के लोगों का नाम आता है। चूंकि सहाबा में दो गिरोह हैं, मुहाजिर और अंसार का, मुहाजिर जो हिजरत करके मदीना आए ये अफजल है, ये गिरोह अफजल, और अंसार जिन्होंने उनकी मदद की बाकी गजल अंसरों से आता है जो अरबी ग्रामर में पढ़ते हैं उन्हें मालूम है जिसका माना है मदद करना, तो ये उन्होंने उनकी मदद की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक मसला ये भी खड़ा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जा नसीब कोई अंसार में से बने या हुजूर की जगह पर नमाज भी वही पढ़ा, चूंकि हमने उनकी मदद की है। मगर हजरत उमर बिन खत्ताब ने सारा मामला सुलझा दिया कि वे हुजूर ने कहा कि मुहाजिर अफजल है और ये चीज उन्हीं लोगों के हाथ में रही, अगरचे सहाबी की अजमत गौसुल कुतुब से भी बहुत ज्यादा बुलंद हुआ था। उनका एक मुट्ठी गम जो खैरात करना हमारा और पहाड़ के सोना खैरात करने से कहीं ज्यादा अफजल है, सहाबी का एक मुट्ठी जो खैरात करना, तो इनकी नेकियों को उनकी फजीलत को कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए उन्हें कुरून उला का मुसलमान कहा गया। खैरुल कुरून करनी अलैहिस्सलाम पर मेरा जमाना सबसे बेहतर जमाना, और हजरत उस्मान बिन अफ्फान को इस्लाम की दावत अबू बकर सिद्दीक ने दी। जब आपने इस्लाम कबूल किया उस वक्त गालिबन 33 बरस की आपकी उम्र शरीफ थी। जब आपने इस्लाम कबूल किया उनके चचा अकम ने उन्हें गिरफ्तार करके बांध दिया।
पैसा बहुत ज्यादा था, चाहते तो अपने चचा पर एक्शन ले सकते थे, मगर एक तरफ अपना चचा का इनाम छोड़ा और दूसरी तरफ तो मोहम्मद अली के दीन को आपने छोड़ा। अगर चिकन छोड़ दिया आपने मगर आपने चचा का इनाम भी रखा और दीन इस्लाम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। पांचवी पुश्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे नसब से आपका शजरा मिल जाता पांचवी पीढ़ी में हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला। आप बहुत ज्यादा शर्मीले थे, इसलिए आप जुमा के खुतबे में सुनते कामिल हया बल ईमान या बल ईमान, कामिल हया यानी औरतों से भी ज्यादा हया उनके अंदर थी, औरत से भी ज्यादा हया उनके अंदर थी। हजरत इमाम हसन ने सलाम फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जब आप अपने मकान के अंदर गुसल खाना बनवाया था और जब गुसल करने बैठते तो मकान की सारी खिड़कियां बंद कर देते थे, सारी खिड़की, और फिर बाथरूम में उसका भी दरवाजा बंद करते तो आप कहते हैं कि बाथरूम के अंदर भी आप कपड़े उतारना शर्म महसूस करते थे, इस कदर आपके अंदर हया थी। एक वाकई से हदीस पाक से पता चलता है कि हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहती है कि गर्मी के दिनों में हुजूर अलैहिस्सलाम पानी के अंदर अपने पैरों को रख करके बैठते थे गर्मी के दिनों, और जाहिर सी बात है कोई जब पानी में पैर रखेगा तो कपड़ों को थोड़ा ऊंचा धोलेगा तो काफी लगभग किडनी के नीचे तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों को उठाया था। दरवाजे पर दस्तक दी, आका ने सलाम ने पूछा कौन, कहा अबू बकर, आ जाओ अंदर दाखिल हो गए। बीबी आयशा कहती कि मेरे वालिद बुजुर्गवार अंदर मकान में आ गए, हुजूर इसी तरह बैठे रहे, फिर दरवाजे पर दस्तक किया, पूछा कौन, कहा होगा, कहा आ जाओ। जब हजरत उमर बिन खत्ताब आए तब भी हुजूर इस तरह पानी में पैर करके बैठे रहे, और फिर एक आवाज आई, दरवाजा खटखटा, पूछा कौन, कहा उस्मान। तो आका इस्लाम ने कहा खैर हो गई, दरवाजा मत खोलो, अल्लाह के रसूल ने अपने पैरों को पानी के बाहर कर लिया, कपड़ों को दुरुस्त कर दिया नीचे तक, कहा आप दरवाजा खोलो, हमको इजाजत हो ताकि वो अंदर दाखिल हो जाए। जब वो आए बैठे बातचीत हुई उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, तो बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आका अली सलाम से पूछा कि मेरे बाप अबू बकर आए तब भी आप इस तरह से बैठे रहे, उमर बिन खत्ताब आए तब भी आप बैठे रहे, और जैसे हजरत उस्मान की एंट्री हुई आपने रोक दिया और अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, पानी से पैरों को बाहर कर लिया, ऐसा क्यों किया? तो आका अली सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हो, मुझे हया आई कि इस हालत में उस्मान आ रहे और मैं बैठा रहा हूं, तो लिहाजा मैंने पहले अपने आप को दुरुस्त कर लिया फिर मैंने इजाजत दी, इसलिए कि उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हो। किस कदर इसलिए हया ईमान का एक हिस्सा है, हया ईमान का एक हिस्सा है, और जिसमें हया नहीं तो फिर ईमान का सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए आप रजी अल्लाह तआला के पास किस कदर माल दौलत थी कि आपने अपने माल से जन्नत कमाई है। आज माल बहुत सारे लोगों के पास भी है मगर हम अपने माल से अजाब खरीदते हैं तो उन्होंने सवाब खरीदा। आप तारीख के इस्लाम को उठा करके देखें, जब 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 का मौका आया आप सरे फहरिश रहे मदद करने में, हत्ता के जंगे तबूक का मौका आया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ऐलान की, मदद मांगी कि कौन है अल्लाह उसके रसूल की मदद करें इस जंग के लिए, तो आप रजी अल्लाह तआला को खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं 1000 सामान के साथ हुजूर ने तीन मरतबा फरमाया, तो तीनों मरतबा
सिक्का होता है साढ़े चार माशे, वो अपने आस्तीन में कुर्ते के आस्तीन में भर करके लाए और हुजूर अलैहिस्सलाम जहां बैठे थे वहां करके आप बोल दिया और सारे को दीनार या दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पड़े, सिक्का से उठा करके पलट पलट करके देख रहे थे और कहते थे आज के बाद उस्मान कोई नफली इबादत न करे तो उसके लिए माफ है। इतनी नेकियां कमा ली मगर फिर भी आपने अपनी लाइफ में कभी नफल नमाज को भी नहीं छोड़ा, यह आपका आलम था। अगर आज कोई पीर साहब किसी मुरीद को कह दे कि आज के बाद तुम ये अमल करना तो मर जाएगा कि मैं मेरे पीर ने जमानत ले ली, मगर यहां हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर नहीं, मेरे नबी से बड़ा कोई पीर नहीं, अबू बकर उमर उस्मान और अली से बड़ा कोई मुरीद नहीं। फिर भी आका अलैहिस्सलाम के फरमान के बावजूद भी आपने कोई नफली अमल कभी तर्क नहीं किया। और सुलह हुदैबिया का मौका आया, मक्का शरीफ से कुछ दूरी पर हुदैबिया का मकाम है जो हुदूद हरम के बाहर, गालिबन हिजरी 6 सरकार होगा करने के लिए आए, कुफार मक्का ने रोक दिया था आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। मक्का ने सलाम उनसे कहा कि मैं जंग करने नहीं आया, मैं तो उमरा करने आया हूं। अब आप उस मुआयदे को पढ़ेंगे तारीख इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा मुआयदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोहेल नाम का शख्स कुफा मक्का की तरफ से जब वो आया तो सरकार ने कहा सोहेल आया है तो अब मसला सहल हो जाएगा, और उसने कुछ ऐसी ऐसी शर्तें रखी कि हमारा कोई भी शख्स मदीना आए तो उसे वापस करना हो, आप उसको अपने पास रख नहीं सकते, वापस मक्का भेज देना होगा, और मदीना से कोई यहां आए तो हम इसको वापस मदीना नहीं जाने देंगे। तो हजरत उमर ने एतराज जताया कि ये कैसा मुआयदा कि उनका आदमी हमारे वहां है तो उसको वापस कर देना और हमारा आदमी इधर आए तो उसे नहीं आने दिया जाएगा, ये कैसा मुआयदा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा उमर ये अल्लाह के रसूल है, ये जो कुछ भी कहेंगे करेंगे सही करेंगे। तब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला साथ हुए और कहा कि इस साल हम आपको मक्के में अंदर नहीं होने देंगे। आप खलील से आपने हजरत उस्मान से कहा कि जाओ सारे मक्का के सरदार से बात करो, उनसे कहो कि हम जब लड़ने नहीं आए तो हजरत उस्मान ने गली को इसलिए भेजा कि कुफारे मक्का हजरत उस्मान का एहतराम करते थे। जब आप मक्का शरीफ में एंटर हुए तो सरदारे मक्का ने कहा कि आओ वेलकम अहलन वसहलन कर लो आप तवाफ सफा मरवा की सही कर लो। आपने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे साथ बातचीत करने आया हूं। इधर सहाबाए किराम में यह बात हुई कि उस्मान मक्का गए वो उमरा कर लेंगे। आप अली सलाम को फरमाया देखो हुजूर को कितना भरोसा, सरकार ने फरमाया उस्मान ऐसा नहीं करेगा। आज अगर किसी पीर साहब को रोक दिया और मुरीद को इजाजत मिल गई कर लो तो मुरीद फखर महसूस करेगा कि मेरे पीर को नहीं आने दिया, मुझे आने दिया, तो ये मेरी किस्मत थी। मगर जैसे हजरत उस्मान बिन अफ्फान से कहा कर लो तो आप कहेगा, आपने फरमाया ना सफा मरवा की सही कर लो तो ये भी नहीं होगा। कहा क्यों? कहा तूने मेरे नबी को हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया और उनके गुलाम से कहते होंगे वो काबी का दबाव कर ले वो उमरा कर ले, नहीं उस्मान के लिए उस वक्त तक काबे का दबाव हलाल नहीं होगा जब तक कि उसका नबी आगे होगा, उस्मान नबी पीछे होगा तब मैं काबे का दबाव करूंगा, इससे पहले मैं नहीं करूंगा। आपने नहीं किया और बातचीत करके वापस आप जब हुजूर के पास आए इससे पहले अफवाह फैला दी कि मक्के में उस्मान उस्मान नबी को शहीद कर दिया, एक अफवाह फैला दी।
आपको
हुजूर अली सलाम सलाम ने हजरत ज़ैद बिन अरफा रजी अल्लाह तआला को खाने की चीज उनके साथ भेजी कि जब उस्मान गनी के घर खाते दिया। ये वाकया आयत हिजाब आयत पढ़ना नाजिल नहीं हुई थी इसके पहले का। हजरत ज़ैद जब गए खाने की चीज हुजूर ने दी थी कहा दो मेरी बेटी रुबैया के घर जा करके दिया। और में आओगी
क्या सर में आऊंगी? जैसे उसमें मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो यहां पर क्या यह होगा कि मैं तुझसे मिलने आई जोहर पढ़ने के बहाने, असर पढ़ने के बहाने, मगरिब के बहाने, जब ही सब पे रहोगे कि डाबी सब पे रहोगे, यानी ये इबादतगाह गुनाहों का अड्डा बन जाती है। देशी थी, उन्होंने रोक दिया और बहुत सी औरतें उस वक्त बौखला भी गई कि उमर ये हमारे मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हो। अल्लाह पाक ने कहा है महबूब, उमर जो कहता है सही कहता है। देशी थी और आज जो ये करीब लाना चाहते हैं ये अहले हदीस के ये अकंडे हैं कि वो कहते क्यों ना आए। अरे भाई, जिसको अल्लाह उसके रसूल ने बना कर दिया, खुलफाए राशिदीन ने बना कर दिया, अब तुम क्यों जमा कर रहे हो? और तुम औरत का बीवी की छुपाना है तो उसे बस छुप करके नमाज पढ़ ले अपने अपने घरों में। अरब में जो आती है वो हज के टाइम में आती है, मगर उनकी सब अलग होती है। जहां औरतों की सब में वहां कोई मर्द नहीं होता। आकर इस बात को सलाम की हयातें जाहिर है, पीछे मर्दों की सब, उनके पीछे बच्चों की सब और बच्चों के पीछे औरतों की सब हुआ करती थी। जहां औरतों की सब में वहां कोई मर्द नहीं होता। और यहां तो बाकायदा खाने से खाना मिला करके, अच्छा इमाम साहब ने जो तकबीर पढ़ी है, मैंने इन्हीं 10 तकबीरें पढ़ी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हालांकि 6 जाए तकबीर है, अल्लाहु अकबर हाथ बांध दे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दे, अल्लाहु अकबर हाथ बांध दे, पहली और चौथी तकबीर में आप हाथ बांधे, पीछे दो तकबीर में आप हाथ छोड़ दे, और दूसरी रकत में पहली 3 तकबीरों में हाथ उठाए छोड़ दे, चौथी तकबीर में फिर हाथ उठाए या रुकू में चले जाए। ये मिस्र का पर बाद में पता चला कि ये मिस्र की काहिरा जो वहां का कैपिटल है मिस्र का, वहां का ये वीडियो था ईदगाह का, जहां मर्द और औरतें बूढ़े बच्चे सब साथ में जमा। तो आज जब हम ही बगैर सोचे समझे कमेंट करेंगे तो क्या ये लोग जो चाहते हैं कि दरगाहों में औरतों को क्यों नहीं आने देते, तो जैसे आज के दिन में वो आने दो, तो कुछ औरतों ने बाकायदा कॉर्न का सहारा दिया कि क्यों हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, ये नफसानियत की वजह से रोका जा रहा है। इबादत से तो कोई रोकता नहीं है, आप कहीं भी इबादत कर ले, मगर ये चीजें ये हो रही है जिसकी वजह से। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जो हया थी, आप बहुत ज्यादा शर्मीले थे, कभी निगाह उठा कर दिया चले नहीं, निगाहों को पस्त कर दिया मक्का और मदीना में चलते थे। हत्ता के आप जब ईमान नहीं लाए थे तब भी आपने कोई गुनाह का काम नहीं किया, ताली उठा करके देख, आप 23 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले जवानी का शबाब था, जवानी के तकद्दस को इस कदर बरकरार रखा, अमीर थे मालदार थे अरब में जिसका सानी कोई न था, मगर उसके बावजूद भी आपने जवानी में इस्लाम में काफी नहीं हुए थे तब भी आप कहते हैं मैंने ना कभी शराब पी, मैंने ना कभी बदकारी की, ना कभी मैंने कोई गुनाह का काम किया। तो जो साहब इस्लाम कबूल करने से पहले इतनी पाकीज़ा हो, वो ईमान लाने के बाद कितनी पाकीज़ा बन गई होगी कि हुज़ूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यके बाद दिगर आपके निकाह भी आई, जिसकी वजह से आपको ज़िंदोरैन कहा गया, यानी 2 नूर वाले हजरत रुकैया और उनके कुलसुम हुजूर की 2 बेटियां, 2 नूर। तो जो लोग हुजूर को नूर नहीं मानते वो उस्मान गनी को सिंदूरन तो कहते हैं। अरे जिसे ये नूर मिला है उनकी 2 बेटियां उनके निकाह में आई, उन्हें तो तुम सिंदूरन कहते हो, और जो सराबा नूर है उनकी नूरानियत से इनकार करते हो। ये पैसा दोगला पर इन्हें तो आप सिंदूरन कहते हैं, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? आप कसीदे गजल गजल आला हजरत फाजिल बरेली की जो नूर के ऊपर पूरी गजल है, एक साहब मुझे कहते हैं गजल क्यों कहते हैं? मैंने कहा गजल उर्दू का लफ्ज है जिसमें महबूब की
غزل ہوگی, غزل اسے کہتے ہیں جس میں محبوب کی تعریف ہو. تو آقا حضرت نے تو اس غزل میں میرے نبی ہی کی تعریف کی ہے. ایک بار اس میں سے آپ ہی رسول تو بیٹھے رہے, باقی سب کو ٹوٹ کے گھر جانے لگے. حضور نے کہا تم گھر نہیں جاؤ گے؟ آج کی آج صبح ہمارا گھر بہت دور ہے اور کافی اندھیرا ہے, ہمیں موتی جانوروں کا ڈر لگتا ہے. تو آقا علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ گھر جانا چاہتے ہو تم؟ بولے ہاں یا رسول اللہ, گھر تو جائیں گے. حضور نے حضور کی ٹہنی کو توڑا اور اس پر اپنا ہاتھ لگا دیا, اس میں سے بیٹری کی طرح نور نکلا. اب وہ لے کر کے چلے بجارے میں, اب ایک کو جانا تھا راجو خلی کی طرف اور دوسرے کو جانا تھا بس اسٹیشن کی طرف. بابری محلہ میں آ گئے, اگر وہ لے جاتا ہے تو اس کو اندھیرا اور یہ لے جاتا ہے تو اس کو اندھیرا. مگر وہ بھی صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھہرو, حضور نے اپنا دست نبوت پھیلا اس لکڑی پر, انہوں نے دوسری لکڑی توڑی اور اسی لکڑی کے ساتھ اسی لکڑی کو ٹچ کر دیا تو اس کے اندر بھی روشنی آ گئی. تو آقا حضرت وہی سمجھا رہے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا کور کا, ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا کور کا, بس ٹچ کر کے جاؤ اور روشنی پاتے جاؤ. تو جو سراپا ان کی نور ان کی اولاد میں ہے, تبھی تو آقا حضرت نے کہا نا کہ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب خراب کر لوگ. اور دیکھو آج تاری بہت سے خاندان ہوئے مگر اس خاندان میں ایک سے دو, دو سے تین, تین کے چار, اس کے بعد پھر کچھ نہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اٹھاؤ اس نسب نامے کو, اس پہلی نامے کو, اس خاندان کو, حضرت امام حسن, امام حسین, امام حسین کے بعد امام زین العابدین, امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر, امام باقر کے بعد امام جعفر صادق, امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم, اس کے بعد امام موسیٰ رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, اور پھر آخر میں یعنی قیامت سے قبل جو ذات آئے گی وہ بھی حضرت امام حسن کا بیٹا ہوگا جسے ہم حضرت امام مہدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ آئیں گے, آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک میری اولاد میں سے کوئی ملک عرب کا بادشاہ نہ بن جائے. جب وہ بادشاہ بنے گا ساری دنیا کو, ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو پھر آقا نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, یعنی محمد بن عبداللہ, وہی حضرت امام مہدی رضی اللہ. قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. یہ غوثِ اعظم کون ہے, غریب نواز کون ہے, مقدوم پاک کون ہے, شاہِ عالم, قطبِ عالم کون ہے, یہ اسی گھرانے کے گلشن کے پھول ہیں. اور کیسے میں کے جس دور میں میں کے لوگوں کی پیاس بجھی اور دین کی طرف لوگوں کو مائل کیا, تو یہ نور کا اور خون کا اثر نہیں تو کیا ہے؟ اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہی دلالت کرتا ہے. اور جس مسئلے پر آپ کی شہادت ہوئی اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ مسلمانوں نے انہیں کیوں قتل کیا, کیا وجہ تھی؟ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے کہ حضرت علی مدینے میں موجود تھے اور ان کا قتل ہو گئے. تو کیا معاذ اللہ حضرت علی شامل تھے ان کے قتل؟ صبح معاذ اللہ, استغفراللہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد مجھے کوئی امیر المومنین کہتا, خدا کی قسم مجھے حضرت عثمان یاد آتے تھے جب کوئی مجھے امیر المومنین کہتا. آپ کے دور میں اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی, جس کی سلطنت زیادہ بڑی وسیع اس کے وزیر بھی اتنے زیادہ. اور مصر کا ایک جو حاکم تھا عبداللہ بن سرد, وہ فجر کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھا دیتا تھا. وہ سلام دینے کے بعد کہتا ہے ہاں قبول ہو گئی میرے دکھ کی وجہ.
रूट ऑफ 700 आदमियों का दिल्ली गेट मदीना शरीफ आया, उनसे बातचीत करी, कैसा है? आपने फरमाया कि तुम किसको पसंद करते हो? तुम जिसको पसंद करते हो आपको मैं उसको आपका आदमी बना देता और उसको मैं मासूम कर देता। तो सबने कहा कि मोहम्मद बिन अबूबकर को हम पसंद करते हैं। ठीक है, अबूबकर सिद्दीक के बेटे हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अब उनको मिस्र का हाकिम बनाए, गवर्नर बनाए, और अब्दुल्ला बिन सलत के नाम मासूम मासूम सिद्दीक के बेटे में आपको मासूम करते हैं और ये आपकी जगह ये साफ साफ आपके लिए करते हैं। जब वापस मिस्र चले तो ये आदमी को लेकर के बड़ी तेजी के साथ चला। मोहम्मद बिन अबूबकर ने कहा कि हमारे आगे कौन जा रहा है, उसको रोको। जब रोका गया और उसकी तलाशी को जब तलाशी की तो पानी की जो मशक्कत थी चलते थी पहले जिस दिन पानी भरते आदमी कभी देखे अपने शरीर और बहुत से दिन हाथों में पानी भर के लाते थे जो लोग उसमें डालते थे। अरब में भी पहले ऐसा होता था तो निकल भी गया जैसे इमाम हसन की शहादत के वक्त निकल गया था।
जैसे ही लोगों ने कहा कि भाई जब ये है तो उसको कहा ये नहीं हो सकता, तो लोगों ने कहा कि आप हमें नहीं सौंपेंगे तो हम आपको अपना खलीफा नहीं मानते। तब हुजूर की बात उन्हें याद आई कि उस्मान मेरे जाने के बाद जब तेरा दौर आएगा लोग तुझे खिलाफ से हटाना चाहेंगे, मगर उस वक्त तू हत्ता होगा, मत छोड़ अपनी खिलाफत को, यहां तक कि तू मेरे से जो है ना करके मिल जाए। तो हुजूर की बात भी उन्हें याद आई कि सरकार ने फरमाया था कि लोग तुम्हें तुम्हारी खिलाफत से इनकार करेंगे, तुम्हें हटाना चाहेंगे, मगर मत हटाना। अकाबिर सहाबा के साथ आ रहे अमीर मारिया ने लिखा लिखा कि आप तमिश आ जाए, मक्का शरीफ के खातिम ने तब लिखा कि आप मक्का आ जाए, उधर न जाने कहां कहां से खत आए कि आप यहां आ जाए। आपने कहा ना मैं अपने हबीब का शहर नहीं छोड़ सकता, अपने नबी का दर नहीं छोड़ सकता। आपने इसलिए जल्दबाजी नहीं की सजा देने में, चूंकि जितने गवर्नर थे आपके हुकूमत में ज्यादातर बनू उमैया के लोग थे, और अगर इसे सौंप देते या फौरन उस पर कार्यवाही होती तो दूसरे जितने गवर्नर है वो बगावत पर उतर आते और इस्लामी सल्तनत में खलबली मच जाती, और आपके सामने ये बातें आई और आपको पहरा देने के लिए आपके गुलाम तलवार लेके आए। आपने फरमाया जो मेरा गुलाम है वो तलवार लेकर के यहां से भाग जाए, वो तलवार ना उठाए, मैं उसे आजाद करता हूं, और जो अगर कोई तलवार उठाएगा तो मैं उसे आजाद नहीं करूंगा। तो आपने अपने सारे गुलामों को भी आजाद कर दिया, क्योंकि हुजूर का शहर है मैं खुद का नहीं चाहता, और पानी आकर बंद कर दिया, और वो पानी जिस कुएं को आपने खरीदा था यहूदियों के पास, और उस कुएं का भी पानी आखिरी सांस तक आपको नहीं पीने दिया, आप पर पानी की भी पाबंदी लगा दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खबर लेने के लिए गए, कहा कि हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं पानी ले आऊं, आपके पास आप पर पानी की पाबंदी कर दी। तो कहा अब्दुल्लाह कल रात हुजूर मेरे ख्वाब में आए और अपने तरीके से बर्तन निकाल कर लेकर पानी मुझे पिलाया, और कहा उस्मान पी ले उसे, मैंने जब पिया तो उसकी ठंडक अभी तक मेरे सीने में मौजूद है, और ऐसा पानी मैंने आज तक नहीं पिया जैसा हुजूर ने पिलाया। और फिर सरकार ने मुझसे फरमाया अगर चाहे तो मैं तेरे दुश्मनों का बदला ले लूं, या तो फिर तू सबर कर, या फिर हीरा के उस्मान इफ्तार कर ले या सहरी कर ले, इफ्तार मेरे पास आकर के करना। तो मैंने सोच लिया कि हुजूर के साथ इफ्तार करना कुछ नसीबी है कि अल्लाह के नबी के साथ रोजा कोई खोले, तो मैंने इस चीज को पसंद किया और आज मैं रोजे से हूं, मैंने आज रोजा रखा है। जब आप इतना कह करके चले गए और फिर बाद में खबर मिली कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तब हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं हुजूर ने जो बात उनको बताई थी कि तू सहरी कर ले रोजा मेरे पास आकर के इफ्तार कर, उन्होंने इस चीज को पसंद किया। और पहले तो अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद अंदर तक बार लेकर के दाखिल हो गए, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन तारा सुबह ये मकान का पहरा लेकर के खड़े थे, लेकिन ये मकान की छत को तोड़ करके मकान में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन अबू बकर ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, आपने आपसे रसूल ने कहा मोहम्मद काश मेरे बाप अबू बकर होते और ये हालत देख लेते तो तेरे बाप के दिल पर क्या गुजर गया कि मेरा बेटा है और उस्मान बिन अफ्फान की गाड़ी पर हाथ, आपका बदन में तकलीफ पैदा हो गई, आप डर गए, तलवार फेंक दी और माफी मांग ली कि हो सके तो आप मुझे माफ करें। मैं समझ नहीं पाया, आपने तलवार भी डाल दी और चल गए वापस निकल गए। दो मिसरियों ने देखा कि मोहम्मद बिन अबू बकर ने काम नहीं किया, दो शख्स बनकर काफिर हो गए। उस वक्त आप कुरान खोल करके बैठे थे, कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और सीधा एक शख्स ने आपके सर पर वार किया, आपके सर में से खून निकला। कुरान शरीफ का पहला पारा पहले पारे का आखिरी रुकू, आखिरी रुकू की यह आयत करीमा फजयफी सिर्फ अल्लाह ही का रंग
आपकी बीवी मकान के उस छत पर चढ़ी जहां से ये दो घर के अंदर दाखिल हुए थे और जोर से चिल्लाई जन्नत में दाखिल हो जाइए, मगरिब के बाद आप दाखिल हो जाइए,
ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है, और क्यों ना हो, 10,000 से ज्यादा सहाबाए किराम उस कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। और आकर इस्लाम ने कहा कल कयामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा, मेरे बाजू में अबू बकर होंगे, इला हजरत उमर होंगे, उसके बाद जन्नतुल बकी से लोगों को उठाया जाएगा, वो लोग अपनी कब्र से बाहर आएंगे, सबके चेहरे दुरानी होंगे, चमकते होंगे, और क्यों ना हो, इन्होंने तब मन तब सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया है। और मदीने में मरना कौन नहीं चाहता, अल्यूफ मदीना आकर फरमाया मरो तो मदीना शरीफ में मरो, इसलिए हजरत उस्मान बिन अफ्फान को चारों तरफ से लोग बुलाने आए मगर नहीं जाना का वादा किया, मैं अपने नदी का शहर छोड़ नहीं सकता और यहाँ खून खराबा होने नहीं दूंगा, अपने आप पर मुसीबत डाल दी मगर मदीना में खून खराबा नहीं होने दिया, नदी के शहर को भी नहीं छोड़ा, और आज भी हुजूर के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जन्नतों के बीच में बिल्कुल जो है आप आराम फरमा रहे हैं। तो परसों इंशाअल्लाह अज़ीम आपके शहादत का दिन है, हमारा हक बनता है कि हुजूर के वफादार जितने उनकी तारीफ को फरामोश नहीं कर सकते, हमें किसी और की तारीफ को पढ़ने की क्या जरूरत, हमें अल्लाह के नबी के गुलामों की तारीफ काफी है, उनका इतिहास काफी है, बस पढ़ो, इसमें आपके लिए इबरत ही इबरत है कि कैसी जिंदगी को गुजार गए, आज माल हमारे पास भी है मगर हमारा माल कभी गुनाहों के काम में सब होता है, खर्च होता है, जब दीन का मामला आता है तो घटी पुरानी नौन गल्ले में से बाहर निकलती है कि जब कोई नहीं लेगा तो यहां चले, अरे जो चीज तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दीन के लिए पसंद करते हो, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए करो, वो अपने दीन के लिए करो, जिसको तुम अपने लिए ही पसंद नहीं करते तो फिर इसमें क्यों इन